खबर शिवपुरी से है, जहां एक वृद्ध चाचा अपने भतीजे के साथ हुई मारपीट के न्याय के लिए एसपी ऑफिस आकर शिकायती आवेदन दिया, जिसने बताया कि पूर्व में खासुनी की रंजिश को लेकर महिपाल अपनी बकरियों को चराकर अपने घर आ रहा था। किताबी मंदिर के पास में गांव के छोटू गुर्जर हिमाचल गुर्जर पुत्र गणमोहन सिंह भारत गुर्जर मस्तराम गुर्जर पुत्र गणदेवान सिंह गुर्जर मोहन सिंह पुत्र प्रीतम गुर्जर समस्त निवासीगण अर्जुन गवां के निवासी हैं, जिन्होंने महोपाल को रोककर गाली गलौज करनी और मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत करने के लिए वृद्ध चाचा एसपी ऑफिस आकर न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है दादा तुम्हारा? मेरा नाम रघुवीर है। कहाँ से आए हो? अर्जुन गवां से। क्या समस्या लेकर आए हो? हमारे भतीजे को पीटा है। किसने पीटा है? छोटू गुर्जर ने। क्यों मारा है आपके भतीजे को? बेमतलब में। कोई वजह तो होगी? कोई वजह नहीं थी हमारी, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। अच्छा। हाँ, अनाचक में मारा है। किस चीज से मारा है? फरसा से। कितने लोग थे मारने में? पांच लोग। हाँ, तो आपने इसकी शिकायत तो संबंधित थाने में नहीं? हाँ, करी हमारी, उनने कोई सुनवाई नहीं करी। क्या बोला उन्होंने? उनने करी हाँ कर लेंगे और मतलब हम तो पढ़े लिखे रहते नहीं साहब। किस प्रकार की क्या सुनवाई करी उन्होंने? हम बिल की तरफ से सुनवाई करी, हमने पांच लिख आए, बिल ने मतलब तीन लिखे। अच्छा, और क्या क्या मतलब आपको लगा कि पुलिस ने साथ नहीं दिया? हाँ, पुलिस ने साथ नहीं दिया। क्या क्या कैसे लगा? जो लगा कि हमने पांच लिखाया, हमने फरसा लिखाया, उसने डंडा लिखा है। एफ आई आर। अच्छा, हाँ। अब जैसे कितनी हालत है उसकी आपसे बताइए? वो हमारे भाई के मतलब सात टांके हैं। अच्छा, सिर में। और कहाँ है अभी वो? हॉस्पिटल। हाँ। आप जैसे आए, क्या आश्वासन आपको दिया गया? हम मतलब इनको मतलब आवेदन देवे आए साहब के लिए। क्या अब आपको वो रखना चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा केस वही बनना चाहिए 307, जो उस पे हमला हुआ है। हमला हुआ है।